हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन के बोगनवेला दिखाती हूँ। ये देखिए, इनमें अगेन स्टार्ट ब्लूमिंग। ये देखिए, ये दो कलर का मिक्सर है मेरा जो ये हो रहा है। देखिए, एक शेड ये है और कितने सुंदर से देखिए लीव्स, पत्ते कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, पूरे उसमें जो हैं फ्लावर ही फ्लावर आ रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो बोगेनविला भी फ्रेंड एक बेस्ट प्लांट है, आपके फ्लावरिंग प्लांट, आप अपने गार्डन में ऐसे लगा सकते हैं। इसके भी जो आपके पास है, देखिए दो वैरायटी के आते हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी के और एक नॉर्मल वैरायटी के बोगेनविला। ये देखिए, दूसरा शेड है मेरा फ्रेंड्स, इस तरह से बंचिंग में आते हैं इसमें। और जो ये पहले दिखाया है इसमें, देखिए ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है। तो बेस्ट है फ्रेंड्स, हाइब्रिड वाला जो है पूरे साल देता है। मेरे पास रहे हैं दो तीन बार के प्लांट वो, और छोटे से ही उसमें फ्लावरिंग होती रहती है और पूरा सीज़न फ्लावरिंग करता रहता है वो। लेकिन तीन चार साल में वो ख़राब हो जाता है पेड़, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा फ्रेंड। तो ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल वैरायटी लगाई है बोगेनविला की और बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करती है। बीच में थोड़ा टाइम रुकता है, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है ब्लूमिंग इसमें। एक ये वाली है फ्रेंड, ये पूरी वाइट है मेरी, पूरा इसमें पूरा वाइट आता है। और देखिए, अब इसमें फिर से फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी बेस्ट है। और ये देखिए, ये मैंने इस तरह से अपने फ्रंट में रखा है इसको। एक ये वाली है, ये देखिए ऑरेंजेस शेड है, ऑरेंजेस मतलब ऑरेंज होता है स्टार्टिंग में, फिर वो पिंक बनता है, तो इस तरह का है ये। और इसमें भी अब स्टार्टिंग होने लग गई है फ्लावरिंग की। ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए इसमें आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी स्टार्ट होने लग गया फ्रेंड्स। तो और एक ये देखो, ये वाला है, ये ऑरेंज है मेरा पूरा, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं आई है। तो आप भी इस तरह का लगाइए दोस्तों। और एक ये देखो, इस टाइम पे इसमें पत्ते नहीं दिखाई देते जितने फ्लावर दिखाई देते हैं, पूरा फूलों से भरा हुआ है ये। ये पिंक है, अभी इसमें पहले पिंक आए थे, अब ये पिंक और वाइट आ रहे हैं इस तरह से। तो आप भी लगाइएगा दोस्तों अपने घर में बोगेनविला। और ये रुक रुक के फ्लावरिंग करता है, पूरा टाइम तो फ्लावर नहीं, किसी भी प्लांट में नहीं आते। तो इसकी अगर आपको खाद के बारे में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों, उसमें मैंने इसका डाला हुआ है किस तरह से। तो अब इसमें फिर खाद दूँगी मैं और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे फुल वॉच कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स।